शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पटेल, खबर सुनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं खबरों की ओर। हत्या आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देशन में हरिवंश यादव पुत्र काशी यादव निवासी लालपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर की हत्या के आरोपी की धरपकड़ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत शिवाजी उर्फ गोलू अनिल सिंह तथा फैजान अंसारी की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर बड़ा गांव तिराहे के पास रात्रि 8:30 पे हुई। पूछताछ में पता चलता है कि हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग है। आइए जानते हैं क्या मामला था, कैसे हुई यह हत्या। प्रेम प्रसंग में इंसान क्या कर देगा यह कोई नहीं कर सकता। ऐसा ही एक वाकया है गाजीपुर का, जहां हरिवंश यादव पुत्र काशी यादव निवासी लारपुर की प्रेम प्रसंग में ही हत्या हो गई। हत्या के आरोपियों शिवाजी उर्फ गोलू अनिल सिंह तथा फैजान अंसारी को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर सोमेन वर्मा के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर बड़ा गाँव तिराहे से गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि अभियुक्त शिवाजी के यहाँ से 32 बोर का देसी पिस्टल एवं जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला कि हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग था, जिसमें अभियुक्त अनिल सिंह की बेटी तथा शिवाजी की बहन को मृतक हरिवंश भगाकर कहीं शादी कर लिया था और उसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर अपमानजनक बातों से क्षुब्ध होकर अभियुक्तों ने हरिवंश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और सही मौका पाकर सैयद बाबा मजार के गोली मारकर एक युवक की हत्या की गई थी। आज उस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल क्या मामला है? एक घटना सादात की है, जहां पे हरिवंश यादव को गोली मारकर हत्या किया गया था। इस हत्या के पीछे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो पता चला कि पुरानी रंजिश का शिकार हत्या हुआ है। इसमें आज 3 लोग गिरफ्तार होकर आए हैं, उनमें से एक है अनिल सिंह, एक राजेश सिंह और एक शिवाजी और फैजान। अनिल, शिवाजी और फैजान ये तीनों गिरफ्तार होकर आए हैं। जब इस पूरी घटना की जानकारी हम किए तो पता चला कि एक्चुअली घटना पहले से शुरू हुई है। जो हरिवंश यादव है, जो मृतक है, उनके कुछ संबंध बहुत पहले इनके पुत्री से हुई थी। उसके बाद इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया था और ये व्यक्ति जेल चला गया था। हरिवंश यादव जो है, जब जेल से छूट गया था तब ये कुछ उल्टी सीधे बात बोलता था, जिसकी वजह से इनके परिवार वाले इनके ऊपर आक्रोशित थे। उसी के मद्देनज़र ये इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया कि इनको हत्या करवाना है और उस दिन को इनके द्वारा इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है, आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मर्डर के पीछे जो मोटो निकल कर आ रहा है तफ्तीश के दौरान, उसमें ऑनर किलिंग का कुछ मैटर समझ में आ रहे हैं? हाँ, ऑनर किलिंग की बात मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि जो इस व्यक्ति के ऊपर 336 का मुकदमा लिखा हुआ था पहले, मृतक जो हरिवंश यादव है, उसके बाद ये जेल चला गया। जेल चले जाने के बावजूद भी शायद उनको कुछ परेशान कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे नाम, जिसकी वजह से इनको लगा कि ये जो व्यक्ति है इसको मारना है हमें, तो इन लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया और इसको किसकी हत्या कर दी। थैंक यू।